क्यों बोला कि वो गौरी की आवाज है? मैं ये सगाई तोड़ रहा हूं। कबूल करते कि हमने आपसे सच छुपाया। पर उसकी एक वजह, और वो वजह हम आपको इस हालत में नहीं समझा सकते। पर आप ये क्यों भूल रहे कि आप ये शादी गौरी की आवाज के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर गौरी की आवाज आपके शादी के लिए हाँ कहने की वजह थी ही नहीं, तो फिर आज उस वजह से आप सगाई क्यों तोड़ रहे हैं? वजह है धोखा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे नफरत है झूठ से और झूठ बोलने वालों से। I can't marry a liar. गौरी सच बताने वाली थी। क्या खाक सच बताने वाली थी? कितनी बार मैंने पूछा उससे, कैफे में अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया था, पर फिर भी नहीं पिघली हूं। झूठ का नकाब ओढ़े बस कह दिया नेक्स्ट टाइम। खैर, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम भी तो उसकी तरह ही हो, झूठी। गलती गौरी की नहीं है। अरे चिंगारी लग गया मगर धमाका नहीं ना हुआ है। बिसबीर झा का ये हंसता चेहरा एक मिनट और बर्दाश्त नहीं होगा। काली बड़ा सातिर हो गई हो, ये चिंगारी को बुझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ोगी हैं? अब हम ऐसा कुछ करेंगे बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। अरे 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 या नाश। सॉरी सॉरी, वो गलती से ना मिस्टेक हो गया। क्या है ना कि माँ जी ने हमको कहा था कि रसगुल्ला ले आओ, तो हम जल्दी जल्दी में थोड़ा हड़बड़ा गए। समझे कि समझाए? समझ गए हम, धो लेंगे। नलका कहाँ है? ऊपर चले जाइए ना, हमारा मतलब है कमरे में, वहां पे ड्रायर भी है सुखाने के लिए। आते हैं। पता नहीं क्यों हमें यकीन हो रहा है कि क्योंकि दुविधा दूर हो गई है। कितना सुंदर गाती है गौरी, लेकिन ये गाना तो सिर्फ हमें पता है। गौरी ने कहा सुना? हम पूछेंगे पूछेंगे जब जब यू गौरी को हमसे मिलाने लेकर आएंगे।
अरे भाई साहब, अंदर कौन है? कुछ गिरा है? अरे नहीं नहीं, ये तो मुक्ता दीदी का कमरा है। मुक्ता जी? हाँ। अच्छा, चौधरी परिवार का काला टीका उजानाथ पाल रखी हैं। मानना पड़ेगा चौधरायन को, अपना औकात में रखी हैं। हमरा तरह नहीं, सर पे चढ़ा के रखा है वो काली को। चलो अब हम दिखाते हैं उको उका औकात। हमारे ऊपर बहुत एहसान है परिवार के, हम तो अनाथ थे। बड़के पापा की वजह से हमें घर मिला, परिवार मिला। हम गौरी की खातिर जो कुछ भी करें कम है। ये हमारा कर्तव्य है कि गौरी के ऊपर आने वाले सारे दुख सारे दर्द हम अपने ऊपर लें, ताकि उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ। बचपन में उसकी खुशी की खातिर हमने खेल शुरू किया था, सोचा एक और बार से, पर जब आपने उस आवाज को ढूंढना शुरू किया तो हम घबरा गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि सच बताए तो कैसे बताए, कब बताए। ये जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी हम लेते। आपको जो सजा देनी है हमें दीजिए, हमें मंजूर है। वाह, क्या सैक्रिफाइस है। इसलिए तुम मुझे झूठ बोलती रही? राम जी की भक्त अपनी ड्यूटी निभाने के लिए इस हद तक गिर सकती है कि वो बात बात पे झूठ बोलती है। ये बात बोल के तुमने साफ कर दिया कि तुम गौरी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ भूलकर खुशी खुशी समझौता कर लूं? यू नो वॉट, इन सब के पीछे तुम दोनों जिम्मेदार हो, और मैं चाह कर भी तुम दोनों को माफ नहीं कर सकता। युग, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, गौरी अभी नादान है। उसके लिए बहुत मुश्किल है आपका सामना करना, इसलिए सच बताने में इतनी देर लग गई। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। सिर्फ आवाज ही सब कुछ नहीं है युग, जरूरी नहीं कि अगर कोई इंसान अच्छा गाता है तो वो इंसान भी अच्छा है। आप कहते हैं ना कि आपकी पिशिमा अच्छा गाती है, पर क्या वो सिर्फ इसलिए अच्छी है क्योंकि उनकी आवाज अच्छी है? नहीं ना, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि उनका दिल साफ है। उसी तरह गौरी का दिल भी बहुत साफ है। प्लीज उसे एक मौका देके दीजिए। प्यार लोगों को बदल देता है। हो सकता है आपके प्यार से गौरी इतनी बदल जाए कि आपको उसमें सिर्फ उसकी अच्छाइयां दिखाई दे। ये कमी नहीं कि वो गा नहीं सकती। प्लीज सिर्फ इतनी सी बात के लिए दो परिवारों की खुशियां मत उजाड़िए। प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। तुम ये सब कह सकती हो क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं हो। मैं जिंदगी की जिस दो राहों पे खड़ा हूं ना, वहां से मुझे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिखता।
ठीक है, पर प्लीज हमारी एक बात का जवाब दीजिए। इतना सब होने के बाद तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे सवाल पूछने का। फिर भी पूछो। हम तो बस इतना जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपने परिवार की खातिर 14 साल का वनवास स्वीकार किया था। हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब क्या सही क्या गलत उसका फैसला आपके हाथ में। हम बस इतना कहना चाहते कि गौरी आपको सच बताने वाली थी, वो बस सही मौके की तलाश में थी। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो अब तक ये बात वो आपको बता भी चुकी होती। हम शास्त्रों को बहुत मानते हैं जी, और ना मानने का परिणाम भी न भुगत चुके हैं। हमारे पुरखे जो कह कर गए हैं 100% सही है, एकदम सही। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे जवाई राजा नजर नहीं आ रहे, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। हाँ, युग वो मुक्ता के कमरे में गया होगा। ए बेटा, जाके बुलाना जरा। मैं ये सगाई तोड़ रहा हूं। बचुआ कहां थे? दादी, वो एक अर्जेंट फोन आ गया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आके अंगूठी पहनाओ, मुहूर्त निकलता जा रहा है। आओ। आओ। आए, धमाका ही नहीं हुआ, अरे ये पटाखा तो फूस हो गया। जो था
ही लो बच्चा। और ये तुम पकड़ो। तो बस इतना जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपने परिवार की खातिर 14 साल का वनवास स्वीकार किया था। बेटा, गौरी को अपना कमरा तो दिखा दो। तुम लोग बैठो। सही कहा तुमने, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। हालत के मारे और परिवार की खुशियों के आगे मजबूर। समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही है, पर समय सब ठीक कर देगा। बहुत खुश रहेंगे आप गौरी के साथ। फिर भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा तुम्हें। तुम अगर अपनी असलियत पहले बता देती मुझे तो शायद मैं। मुश्किल होगा आपके लिए, मगर फिर भी हम राम जी से प्रार्थना में सिर्फ अपने लिए आपसे माफी मांगेंगे। वाओ, दैट्स अ रियली नाइस रूम। पर हमें वॉल कलर उतना पसंद नहीं आया। आई थिंक कि हमें वॉल कलर चेंज कर देना चाहिए। हमें पिंक करना चाहिए, बिकॉज पिंक इज माय फेवरेट, है ना? वैसे अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल पूरी जिंदगी साथ बिताना है तो इतना एडजस्टमेंट तो हम कर ही सकते। वैसे तुमने बताया नहीं क्या? अरे सबने हमारे गाने की तारीफ की कि हमने कितना अच्छा गाया, और हमारे सबसे बड़े फैन ने हमें नहीं बताया कि हमने कैसा गाया। तुम जानकर क्या करोगे? जिसकी आवाज है उसे तो कोई परवाह ही नहीं है मेरे ओपिनियन की। एक्चुअली मैं ही पागल था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो आवाज तुम्हारी हो ही नहीं सकती। एक्चुअली ये सगाई, ये शादी, ये सिर्फ एक समझौता है मेरे लिए। अगर मेरी दी इसमें इन्वॉल्व ना होती ना, तो मैं ये शादी कभी नहीं करता। Anyways, let's go now. बाहर सब वेट कर रहे होंगे।
आखिर तुमसे नहीं रहा गया ना काली? तुमने उसे बता दिया?